आज हम यहां बैठे खुश नहीं है कि आज आपके सामने हम आए हैं और हम आरोप लगाने आए हैं कि संविधान के अंतर्गत जो चीफ जस्टिस का जो पद है, जो मर्यादा उस पद की होनी चाहिए, उस पद की मर्यादा का चीफ जस्टिस ने उल्लंघन किया है। इस देश में या किसी भी देश में कोई भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, उसका एक अपना अहम ओहदा होता है और उस ओहदे की हम इज्जत करते हैं, लेकिन उस ओहदे की चीफ जस्टिस साहब को भी इज्जत करनी चाहिए। और हमें ऐसा लगा, और हम ये बात नहीं कह रहे, न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने खुद पब्लिक में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बातें देश के सामने रखी और कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब का ऐसा ही रवैया रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये चार जजेस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा देश को अवगत कराकर कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि हमने कई प्रयास किए, चीफ जस्टिस के साथ बातचीत की और कहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, एक बार तय हो चुका है, उसको उसके साथ उसको बदलने की प्रयास हो रहा है और ये जुडिशरी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने यह भी और कहा कि कई और वैसी बातें हैं जिनके बारे में उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ बातचीत की और प्रयास किया कि किसी तरीके से इन बातों पे गौर हो और इसका कुछ समाधान हो, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो निराश रहे, प्रयासों करने के बाद उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हम चाहते थे, और ये बात आपको मालूम है कि जनवरी 12, 2018 में चार सुप्रीम कोर्ट जजेस ने पब्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम तब चुप रहे क्योंकि हमें ये विश्वास था कि चीफ जस्टिस साहब उन बातों को पे गौर करेंगे और कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, आज हम अप्रैल में हैं और कोई समाधान हुआ नहीं, तो चिंता की बात है। क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जिसकी स्वतंत्रता पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, अगर वो खतरे में आ जाए तो देश खतरे में आ जाएगा और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? या तो हम बैठे रहें और गिरावट देखते रहें ताकि जुडिशरी इस स्तर तक पहुंच जाए कि अब फिर उसको उठाना मुश्किल होगा। एक ये भी रास्ता है कि हम चुप रहते, लेकिन हमने संविधान के प्रति ओथ ली है और वो क्या है कि अगर संविधान का कोई भी ढांचा खतरे में आ जाए तो उसकी रक्षा करना हमारा लोकतांत्रिक संविधानिक कर्तव्य है। आज हम वो कर्तव्य निभाने जा रहे हैं, हालांकि उस कर्तव्य निभाने में हमें कोई खुशी नहीं हो रही, हम कोई दिल से खुश नहीं है कि हमें यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन क्या करें। संविधान प्रमुख है, कोई भी पद हो वो संविधान के अधीन है और हमें संविधान की रक्षा करनी है। इस प्रस्ताव में जो हमने उपराष्ट्रपति जी को दिया, जो चेयरमैन है, उसमें हमने 5 आर्टिकल्स ऑफ चार्ज दिए हैं, 5 आरोप लगाए हैं
और लगभग मैं और उन बातों को ऑलरेडी कह चुका हूं, तो मैं उसमें दोबारा विस्तार से नहीं जाऊंगा। नहीं, पांच आरोप हमने लगाए हैं जिसके द्वारा जिससे साफ तय हो जाता है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, एंड दिस अमाउंट्स टू मिसबिहेवियर, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज द वर्ड मिसबिहेवियर, नॉट करप्शन। तो अगर चीफ जस्टिस साहब या कोई भी जज अपने पद का दुरुपयोग करे एंड दैट अमाउंट्स टू मिसबिहेवियर, तो हमारा कर्तव्य पड़ता है, बनता है कि हम उसको आगे ले जाएं। कुछ बातें हमने जो उस प्रस्ताव में रखी हैं, उस इंपीचमेंट मोशन में रखी हैं, उसमें कई टैप्ड कॉन्वर्सेशंस भी हैं जो सीबीआई के पास थी और उसमें लिखित भी हैं, जिसमें एक रिटायर्ड जज उड़ीसा हाई कोर्ट का और बाकी जो मिडलमैन हैं, बिचौले हैं, वो लेन देन की बात कर रहे हैं और संकेत और कुछ बात नॉट डायरेक्टली चीफ जस्टिस के ऊपर भी उन्होंने कही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामले हैं और इसके अंतर्गत आपको ये भी बता दूं कि जब सीबीआई चीफ जस्टिस साहब के पास गई कि हमारे पास सबूत है, एक जज शुक्ला साहब हैं जो सिटिंग जज थे, कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सबूत है, तो चीफ जस्टिस साहब ने वो सैंक्शन नहीं दी। क्यों नहीं दी, किस वजह से नहीं दी, जब सीबीआई के पास सबूत थे, ये भी अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और साथ साथ में चीफ जस्टिस साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे और जुडिशियल साइड पे ही उसी मामले के फैसले किए, तो वो भी अपने आप में गंभीर बात है। और साथ में जब चलमेश्वर साहब एक याचिका सुन रहे थे, जबकि चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हुए थे, और जो कन्वेंशन है कोर्ट का वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चल रहा हो तो फर्स्ट कोर्ट, फर्स्ट प्यूनी कोर्ट पे याचिका जा सकती है, तो जब चलमेश्वर साहब ने वो याचिका ली और कहा कि इसको हम बाद में दिन में सुनेंगे, तो तुरंत सुनने के पहले और जैसे ही सुनवाई होने लगी, एक नोट आ गया चीफ जस्टिस साहब से, और ये याचिका 9 तारीख नवंबर को सुनवाई होनी थी 2017 को, कि नोट आ गया कि ये 6 नवंबर का नोट आ गया कि आप याचिका नहीं सुनिए, कोई और बेंच सुनेगा और हम ही इसको देखेंगे। तो एक बैक डेटिंग में उन्होंने एक 6 नवंबर नोट को, आरोप यह है कि बैक डेट किया गया, यह भी एक आरोप है। और दूसरा उन्होंने एक हल्फिया बयान एफिडेविट फाइल किया था जब वो वकालत कर रहे थे किसी जमीन के बारे में, और एक फॉल्स एफिडेविट, झूठा एफिडेविट फाइल किया था, और जो एडीएम ने फैसला दे दिया कि वो झूठा एफिडेविट था। और हालांकि 1985 में उस अलॉटमेंट को रद्द किया गया, लेकिन 2012 तक जस्टिस मिश्रा ने उस लैंड को सरेंडर नहीं किया, वापस नहीं किया, तब किया जब वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो ये भी अपने आप में एक गंभीर चार्ज है। और जिस तरह से उन्होंने कुछ संगीन केस, कुछ सेंसिटिव केस किसी जज के आगे लगाए, कुछ जजों के आगे लगाए, उसमें भी हमने उदाहरण दिए हैं जिसके अंतर्गत हमने कहा है कि ये भी एक दुरुपयोग है अपने पद का। तो हम इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र को की रक्षा होनी चाहिए और संविधान की रक्षा होनी चाहिए।